के नाम से ये लिखा हुआ है और इस पे कुछ हिदायत वगैरह भी लिखी हुई हैं। मौजूद है आपकी मज़ार शरीफ भी यहाँ पर मौजूद है। उस वक्त यहाँ पर आबादी नहीं थी, बल्कि पूरे कस्बा खीरी की जो इस वक्त आबादी है वो आबादी इस वक्त यहाँ पर नहीं थी, बल्कि एक कस्बा खीरी से कमोबेश 2 किलोमीटर फासले पर अल्लाहबाड़ी नाम का एक मकाम था, वहाँ पर आबादी थी। लेकिन जब ये बुज़ुर्ग आए, शाह विलायत हज़रत मखदूम वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मखदूम जलालुद्दीन अलमारूफ सैयद खुर साहब रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद में सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो जब ये कस्बा खीरी में तशरीफ़ लाए हैं उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आबादी होना शुरू हुई। एक तरह से इस कस्बा खीरी की जो तारीख़ है वो कमोबेश 500 साल पुरानी तारीख हो गई है। इस ये जो मोहल्ला बुखारी टोला है, ये मोहल्ला बुखारी टोला हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नामी से ही ये मशहूर है, क्योंकि आप बुखारा शरीफ से तशरीफ़ लाए थे, इसलिए इस मोहल्ले का नाम, इस वार्ड का नाम बुखारी टोला रखा गया, जैसा कि बताया जाता है। और ये वजह भी समझ में आती है कि बुखारी टोला क्यों रखा गया नाम, इसलिए कि सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारा शरीफ से तशरीफ़ लाए थे और उनके नाम के आगे बुखारी था। ये भी बताया जाता है, सच्चाई कहाँ तक है अल्लाह ही बेहतर जानता है, कि इस जगह पर जहाँ हम मौजूद हैं, ये मोहल्ला बुखारी टोला, यहाँ पर भी आबादी नहीं थी और यहीं करीब में ही कहीं कोई नदी या नहर वगैरह थी। लेकिन जब सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए तो आपकी ये करामत है कि वो उस नदी का रुख यहाँ से मुड़ गया, या उस नदी का वजूद ही यहाँ से ख़त्म हो गया, या वो नदी यहाँ से दूसरी तरफ मुंतकिल हो गई। वल्लाह अलम बिस्वाब, जैसा कि बताया जाता है उस बताने के मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जो आस्ताना है, ये आस्ताना ख़ास तौर से एक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर आस्ताना है। अभी हम मज़ार शरीफ भी आपको दिखाएँगे। ये ख़ास तौर से ये आस्ताना जो यहाँ पर आसेब ज़दा लोग हैं, जिन पर कोई आसेबी खलल होता है, और इसके अलावा जो जिनको जुनून का मर्ज़ होता है, जिन जो नीम पागल या पागल होते हैं, दिमागी इमराज के जो मरीज़ होते हैं, वो लोग ख़ास तौर से यहाँ पर आते हैं। और हर जुमेरात को तो एक खासी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग, मकामी लोगों से ज़्यादा जो बाहर के हज़रात हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। और एक ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, यहाँ पर जो भी दिमागी इमराज के मरीज़ आते हैं उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और इन बुज़ुर्गों के वसीले से सदक़े में उनको शिफा मिलती है। और जो आसेबी खलल के शिकार होते हैं, जिन पर कोई आसेब होता है, सहर ज़दा होते हैं, जिन पर कोई जादू टोना वगैरह हुआ करता है, उनको भी यहाँ से शिफा मिला करती है, और वो शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाने वाला है। ये जो अल्लाह के वली हैं, ये वसीला हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। तो आज चूँकि मंगल है, मंगल को तादाद कम होती है,
जुमेरात को सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं। अभी अगर कोई यहाँ पर मिलता है बाहर का तो उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सिलसिला है और जो लोग आते हैं तो फिर वो कई कई दिनों तक यहाँ पर क़याम भी करते हैं। हज़रत सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स शरीफ भी मुहर्रम के महीने में, ख़ास जो आपका उर्स शरीफ है वो मुहर्रम के महीने में होता है। और इसके अलावा यहाँ पर दो उर्स होते हैं, एक उर्स दूसरे महीनों में होता है और जो ख़ास उर्स जो आपकी तारीख़ विसाल कही जाती है या जो विसाल का जो महीना है वो मुहर्रम शरीफ का महीना है, मुहर्रम में भी हुआ करता है। तो दो उर्स होते हैं। आप ये पूरा कैंपस आप यहाँ पर देखें और इसी मज़ार शरीफ, ये जो रोज़ा शरीफ है, रोज़ा शरीफ के पीछे एक कब्रिस्तान है, वहाँ भी कुछ मज़ारात हैं, कुछ कब्रें हैं और इसके करीब में ही आप देखेंगे कि ये मोहल्ला बुखारी टोला की जो मस्जिद है वो भी इसी जगह पर मौजूद है। तो ये तारीखी एतबार से, ऐतिहासिक एतबार से ये मोहल्ला भी एक तरह से बहुत पुराना मोहल्ला है और कमोबेश इसकी तारीख़ 500 साल है जब सरकार सैयद अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपको इस आस्थाने के हवाले से बहुत कुछ हम और अभी बताएंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अंदर जो मज़ार शरीफ है उसकी आप ज़ियारत करें, हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ।
लम्हा तक़वा व तहारत में गुजारा है, तो एक तरह से ये अल्लाह के वली हमारे लिए एक आदर्श हैं, हमारे लिए